बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स एंड चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 6 एंजाइम। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटालिस्ट? Question number 2, why enzymes are called biological catalyst? Question number 5, how enzymes are named? Enzymes are named by adding the suffix -ase to the name of substrate that they modify, that is urease, tyrosinase, or the type of reaction they catalyze. That is, the name of reaction can be dehydrogenase, decarboxylase. Some have arbitrary names, that is pepsin and trypsin. The International Union of Biochemistry and Molecular Biology assigns each enzyme a name and a number to identify them. अब कुछ enzymes हैं जो specifically वो can identify कैसे कर सकते हैं, जिनकी ending होती है ase, urease है, tyrosinase है, और कुछ को name दिया जाता है उन type of reaction पे जिसको वो catalyze करते हैं, जैसे dehydrogenase, decarboxylase, ये reaction की बेस पे होता है नाम। और कुछ के वैसे ही आर्बिट्रेरी नेम्स ऐसे ही हम रखते थे, जैसे पेप्सिन एंजाइम है या ट्रिप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन स्टार्च वगैरह पे एक्ट करते हैं, उन एंजाइम्स के नेम हैं। सो इसी तरह से एंजाइम्स को नेम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फंक्शंस इन एसिडिक मीडियम? Next question, question number 12. Last question, short. Why are enzymes specific and why cannot each one speed up many different reactions? Now we will come to extensive questions of chapter number 6 enzymes, and all the questions have been covered. There is only just one question, that is question number 7. Only related key can open the lock. How this fact is true for enzyme?
एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल कि एक स्पेसिफिक की जो है या रिलेटेड की जो है लॉक को ओपन करती है, ये इस फैक्ट को हम इंजाइम्स के लिए कैसे लेंगे और इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे एक की रिलेट करती है एक लॉक के साथ, ठीक है। ओनली द करेक्टली साइज्ड की, दैट इज़ जिसको हम कह सकते हैं सबस्ट्रेट, फिट्स इन टू द की होल, दैट इज़ एक्टिव साइट एंड द लॉक वी कैन से एंजाइम। सो स्मॉलर कीज, लार्जर कीज और इनकरेक्टली पोजिशन टीथ ऑन कीज, मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर इनकरेक्टली शेप या साइज होगा सबस्ट्रेट का, हम इन टर्म्स ऑफ कीज उसको ले रहे हैं क्योंकि की को हमने कहा है वो सबस्ट्रेट है और लॉक को हमने कह दिया है वो एंजाइम है और की का जो होल है वो एक्टिव साइट है। तीन चीज़ें, एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट और एंजाइम। अब स्मॉलर की है, लार्जर की है या इनकरेक्टली पोजिशन टीथ जो हैं कीज पे हैं, हम कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट की जो शेप्स हैं सारी वो क्या होंगी, डू नॉट फिट इन टू द लॉक, दैट इज एंजाइम। अब एंजाइम के अकॉर्डिंग कीज नहीं है। ओनली द करेक्टली शेप की ओपन्स अ पर्टिकुलर लॉक, मतलब एक खास किस्म की key जिसकी प्रॉपर शेप होगी वो ही ओपन कर सकेगी किसको, पर्टिकुलर लॉक को, और इन टर्म्स ऑफ दैट हम लेंगे कि दैट इज सबस्ट्रेट एंड लॉक इज एंजाइम। ये हम लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हम जो इसके साथ ऐड करेंगे टॉपिक वो होगा लॉक और की मॉडल, जो आपकी बुक पे मौजूद है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया पेज नंबर 82, वो आप फुल लिखेंगे और साथ उसके डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। उससे पहले आप ये जो ऊपर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी गई है उसके साथ ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, जैसे की को सबस्ट्रेट शो किया हुआ है, लॉक को एंजाइम। करेक्ट फिट विल रिएक्ट, इनकरेक्ट सबस्ट्रेट नो रिएक्शन। ये डायग्राम आप पहले जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पहले पैराग्राफ में दिया उसके साथ ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आप लॉक की मॉडल लिखेंगे बुक से, जो बुक पे मौजूद है पेज नंबर 82 पे, और साथ उसके जो लॉक की मॉडल की डायग्राम है वो भी ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। Now we will come to chapter number 5, that is cell cycle, and we will look short questions of cell cycle. The first question is, can you distinguish between, that is chromatin and chromosome? अब ये सारा topic cover है in terms of definition, period of appearance, structure, कंडेंसिंग एंड फेज, दोनों साइड पे हम उनको कंपेयर करते जाएंगे इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, किस तरह से अपीयर होते हैं, कौन सा टाइम होता है जब वो अपीयर होते हैं। जैसे कि आपके पास क्रोमैटिन है, वो अपीयर होता है इन द इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल, क्रोमोसोम अपीयर होता है इन द मेटाफेस ऑफ सेल साइकिल, फिर स्ट्रक्चर क्या है, कंडेंस कैसे कितने टाइम्स हो सकता है, जैसे आपके पास क्रोमैटिन है 50 टाइम्स, और देन नॉर्मल डीएनए, और जो आपके पास क्रोमोसोम है वो 100 टाइम्स देन द नॉर्मल डीएनए। फेज कौन सा फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ एक एस फेज फॉलो कर रहे हैं और क्रोमोसोम G1 एंड G2 फेज। इसी तरह से बाकी भी जो डिस्टिंग्विशिंग हम करेक्टर्स देखेंगे या कंपैरिजन देखेंगे वो भी इसी तरह टेबल ऑफ फॉर्म में मौजूद है, उसको भी हम गो थ्रू करेंगे। क्रोमोसोम वर्सेस क्रोमैटिड इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, अकरेंस, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी एंड कंपोजिशन। नेक्स्ट वन इज सेंट्रियोल वर्सेस सेंट्रोमेयर, वी विल डिस्कस द देयर डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, वेयर देयर लोकेशन, टाइप्स एंड फंक्शन। एंड द लास्ट वर्ड हियर इन द सेंट्रियोल फंक्शन इज फाइबर सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर।
नेक्स्ट कंपैरिजन इज काइरोकाइनेसिस वर्सेस साइटोकाइनेसिस. दैट इज काइरोकाइनेसिस बेसिकली इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. कैरियो वर्ड डराइव फ्रॉम कैरियोन्स मीन न्यूक्लियस. सो एक हम न्यूक्लियस की डिवीजन को स्टडी करेंगे और एक साइटोप्लाज्म की डिवीजन को और दोनों के पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे. देयर आर बेसिकली 5 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन. Next comparison is between centromere and kinetochore. We will discuss it in terms of definition, whether they are dead or alive, visualization and function. जैसे हम एक कोलाइड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं सेंट्रोमेयर को, जो काइनेटोकोर है उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज कर सकते हैं. Last comparison is diploid versus haploid cells. Next question number 4. How does meiosis contribute to genetic recombination? Next question number 5. What kind of life cycle includes a multicellular haploid stage? Or isi ka second part hai, can haploid cells divide by mitosis or by meiosis? Pehle hum jab part dekhenge, iska part A hai question number 5 ka, apni books pe dekh lijiyega aap log students. Theek hai, meiosis develop in a multicellular haploid gametophyte from the Greek pattern yang. Fertilization give rise to multicellular diploid sporophyte which produce haploid spores by meiosis. This type of life cycle is called haplodiplontic life cycle. ये students लिखने के बाद paragraph, उसके बाद आप next जो heading है page number, book के page number 74 पे, that is maintenance of chromosome number in next generation, वो आप फुल इसमें ऐड करेंगे. इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट बन रहा है, अभी हम बी पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. अभी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, मींस उसी का हिस्सा है कि कैन हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस और मियोसिस. तो हैप्लॉइड सेल्स कैन बी डिवाइडेड बाय माइटोसिस. सो बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन अंडरगो माइटोसिस. When haploid cells undergo mitosis, it produces two genetically identical haploid daughter cells. When a diploid cell undergo mitosis, it produces two genetically identical diploid daughter cells.
सो क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी पार्ट में जो डिवाइड हुआ हुआ है हम इक्वली उसको कवर करेंगे। पहली स्लाइड पे हाफ जो बुक पे एक हेडिंग है वो कवर करेंगे और इसका बी पार्ट, ये कलेक्टिव दो स्लाइड्स में ला के आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू सेल्स ऑफ टिश्यू नीड टू अंडरगो माइटोसिस। सेल्स अंडरगो माइटोसिस टू रिप्लेस ओल्ड सेल्स, रिपेयर डैमेज टिश्यूज एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। के सेल क्यों माइटोसिस का प्रोसेस करेगा, डिवीजन का माइटोसिस दैट इज अ फॉर्म ऑफ डिवीजन क्यों करेगा, ताकि जो ओल्ड सेल है उनको रिप्लेस करे, डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करे और एज अ रिजल्ट एक ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो हो। माइटोसिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली, जो कि एसेक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज द ओनली वे दैट दी सेल्स कैन रिप्रोड्यूस। इतना सा लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप जो बुक का पेज है पेज नंबर 71 उसमें जो हेडिंग है दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ सेल उसको आप फुल इंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज कैन हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस किया था कि येस हैप्लॉइड सेल्स अंडरगो माइटोसिस, इट प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम साइंस टेक्नोलॉजी और सोसाइटी कनेक्शन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर नंबर 5 का, जो कि है डिस्क्राइब द इनएबिलिटी ऑफ सम मैच्योर सेल्स दैट इज नर्व सेल्स टू डिवाइड एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स दैट इज ट्यूमर। कि हमने दो तरह के सेल्स इसमें बताने हैं, एक है नर्व सेल्स और दूसरा है ट्यूमर सेल्स, और दोनों का ये बताना है कि जैसा कि आपके पास है नर्व सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड नहीं होते, एबिलिटी तो नहीं हम कह सकते इनएबिलिटी है उनके अंदर कि वो डिवाइड नहीं होते, और जो ट्यूमर सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं, उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। तो इस इन दोनों के नर्व सेल और ट्यूमर सेल के इस फैक्टर को हमने एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम देखेंगे इनएबिलिटी ऑफ सम मैच्योर सेल दैट इज नर्व टू डिवाइड, इसके दो रीजंस हम डिस्कस करेंगे, और जो आपके पास सेकंड पार्ट है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स दैट इज ट्यूमर, ये हम बुक से करेंगे दैट इज द एरर्स इन माइटोसिस, जो पूरी हेडिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे राइट करेंगे इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए, और वो दिया हुआ आपकी बुक के पेज नंबर 71। ओके स्टूडेंट्स आज हमने दो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए दैट इज चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।